नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप भी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हो? पहले ही मार्केट में इतना ज्यादा सैचुरेशन था, पहले ही ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू, अब 3XO। और जो 3XO आई है भाई, ये सबसे बड़ा सरदर्द या फिर कंफ्यूजन का घर दिमाग में जो कर रहा है ना, 3XO कर रही है। वीडियो को दोस्तों एंड तक देख लेना, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, गलत कार मत ले लेना। और स्पेशली जब 3XO बुक करने जा रहे हो ना दोस्तों, आप 3XO में बहुत तगड़ी गेम चल रही है। 3XO की बुकिंग के टाइम पे देखो, बेस मॉडल 7.5 लाख का रख दिया। ये बात तो भाई कोई बताने की है ही नहीं, सबको पता चल चुकी है कि 7.5 लाख का बेस मॉडल है, रखा ही इसलिए गया था ताकि सबको पता चल जाए। अब सारे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, स्टोर्स में, कि भाई मुझे तो बेस मॉडल चाहिए। अब मना तो वो कर सकते नहीं, मना कैसे कर दें? अभी तो 15 मई को तो इसकी डेट स्टार्ट होनी थी, अभी से ऑलरेडी दबाकर चल रही है भाई बुकिंग। स्टोर पे आप जाओगे ना, वो तैयार है पेन पेपर लेके, नाम बताओ जी क्या है आपका बस। पर इन चक्करों में मत पड़ना कि इतना एक्सेसरी पैक ले लो, ये वारंटी पैक ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऊपर से 50,000 दे दो, 2 हफ्ते में गाड़ी दे देंगे। इन चक्करों में अगर फंसना हो, खूब पैसा हो तो फंसना, नहीं फंसना तो वीडियो पूरी देखो एंड तक। सबसे बड़ा जो दावेदार है भाई आज की डेट में, वो है नेक्सॉन, या फिर मैं कहूँ था, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है, मैंने वीडियो डाली है थोड़ी देर पहले ही अप्रैल की सेल्स की, भाई नेक्सॉन जो टॉप 25 कार सेल है ना, उस पर 11वें स्पॉट पे चली गई। हमेशा ये 5वें छठे पे रहती थी। इसकी सेल जो है 3000 यूनिट के आसपास गिर गई हैं, क्योंकि ब्रेजा बैक टू बैक बीट कर रही है इसे, या फिर नेक्सॉन CNG का लोग वेट कर रहे हैं। अगर तो देखो नेक्सॉन CNG का वेट कर रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये लोग नेक्सॉन CNG का वेट नहीं कर रहे, आधे लोग जा रहे हैं ब्रेजा की तरफ, बाकी चले गए 3XO की तरफ। एक और बात बताऊं फनी, फ्रॉन्क्स ने नेक्सॉन को बीट करा है सेल्स में लास्ट मंथ, तो बच्चे कुछ फ्रॉन्क्स की तरफ चले गए क्या? भाई अगर फ्रॉन्क्स की तरफ भी नेक्सॉन के कस्टमर जा रहे हैं तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो कुछ लोगों को ना नेक्सॉन में लगता था वाइब्रेशन थोड़ा सा ज्यादा, हालांकि पावर बहुत अच्छी है कार की, सेफ्टी बहुत अच्छी है, लुक बहुत प्यारी है। कुछ लोग सर्विस से परेशान रहते थे, ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग ही कमेंट कर करके बताते हो, मैं आप लोगों का विचार रख रहा हूँ यहाँ पे कि सर्विस के बारे में और इंजन के बारे में क्या सोचते हैं लोग अब। पर क्योंकि 3XO आ गई, यहाँ पर ये दिक्कत ही नहीं है भाई, क्योंकि महिंद्रा की कार अगर 3XO की बात करें या XUV300 की, तो इसके ड्राइविंग डायनामिक्स काफी अच्छे थे। अब भाई लोग इंप्रेस हो गए कि भाई ये कार आ गई, अब इसमें 1.2 लीटर का टर्बो यहाँ भी है और वहां भी था नेक्सॉन में, पर अब क्या है, आपको वाइब्रेशन नहीं मिल रही, गियर शिफ्टिंग के टाइम में जो इतना गैप आता है नेक्सॉन में, वो सारी चीजें आपको नहीं मिल रही है। हाई रेप्स पे इंजन नॉइस नहीं करेगा, क्योंकि भाई महिंद्रा ने इस पे जो है आइसोलेशन टेक्नोलॉजीज लगा दी है, साउंड बैरियर, साउंड पता नहीं क्या क्या। मेरी एक पूरी वीडियो बनी हुई है इसके सारे फीचर्स के ऊपर, क्या क्या चल रहा है वो भी अब जाके चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे। अब नेक्सॉन की सेल्स क्यों गिरी भाई ये तो नहीं पता, पर फ्रॉन्क्स नया प्लेयर बन गया, क्योंकि इसने नेक्सॉन को ओवरटेक कर लिया। वेन्यू और सोनेट का क्या चल रहा है? भाई वेन्यू और सोनेट का मैं सही बताऊं, ना इनकी सेल इतनी घट रही है ना ही उतनी बढ़ रही है। मैं कई मंथ से नोटिस कर रहा हूं, एक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो गई है, क्योंकि यार देखो वेन्यू और सोनेट अब वही लोग ले रहे हैं, स्पेशली अगर मैं सोनेट की बात करूं, कि जिनको ना फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई इसकी सेफ्टी भी क्या है क्या नहीं है, उनको बस सुंदर कार चाहिए। क्योंकि भाई एक बात तो है, सोनेट की जो रोड अपीयरेंस है ना भाई, वो किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की नहीं है। सोनेट के इंटीरियर और सोनेट की जो ओवरऑल लुक, एक जो एक ऑरा है ना उस कार का, जो टोरा ऑरा जो भी कह लो, वो बहुत तगड़ा है। पर फ्रॉन्क्स ने इनको बीट कर दिया, फ्रॉन्क्स बाद में आई थी, उसके बाद भी देखो कहां पहुंच गई, विटारा वाला फ्रंट, कूपे वाला बैक, ग्राउंड क्लियरेंस ब्रेजा वाली, भाई क्यों नहीं लेंगे लोग, लोग ले रहे हैं। 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है 1.2 लीटर का, और क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है तो उस पर बैठ गया वो, जैसे कि वेन्यू सोनेट पे कुछ लोगों को अंडर पावर लगता है 1.2 वाला इंजन। अब 1 लीटर टर्बो अगर लेना ही है 11-12 लाख रुपये लगा कर, तो भाई बंदा 3XO क्यों नहीं लेगा, बिल्ड भी तो 5 स्टार आ जाएगी वहां पे, समझे अब गेम क्या चल रही है। 3XO में बेस मॉडल से 6 एयरबैग आ गए, अब ये जो 6 एयरबैग वाली गेम है, इससे फ्रॉन्क्स को दिक्कत हो जाएगी और ब्रेजा को भी। क्यों? क्योंकि भाई जितने रेट में फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल आ रहा है, उतने में तो 3XO आ रही है, और ब्रेजा का बेस मॉडल भी महंगा है। दोनों कार की बिल्ड क्वालिटी ब्रेजा की 4 है, फ्रॉन्क्स का तो हुआ ही नहीं है टेस्ट, मान लेते चलो उसकी भी 4 है, पर आपको अगर मैं 8.5 लाख वाले बेस मॉडल की बात करूं, तो भाई डायमेंशन भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। थोड़ा सा देखो बूट स्पेस का है, इधर उधर हो रखा है, पर जिसको कार पसंद आ जाए ना, और थोड़ा बहुत वो मैनेज कर सकता है, वो कोई CNG वाला सीन तो है नहीं कि कुछ भी नहीं रख पाओगे, जगह तो है,
थोड़ा सा कम रख पाओगे पर रख पाओगे, दो तीन एडल्ट का सामान आराम से आ जाएगा। और ये बात महिंद्रा को पता है कि भाई हमारे ग्राउंड क्लियरेंस में और बूट में थोड़े से लोगों को प्रॉब्लम रही पास्ट में, उसके हिसाब से ही तो फीचर दिए हैं। लेगरूम भी तो ज्यादा है, 2600 mm का व्हील बेस है, लेगरूम ज्यादा है। अब अगर आप कार खरीदने जा रहे हो कैसे फैसला लोगे, ये सारी बातें आपको पता तो होनी चाहिए ना। बिना पता करे फैसला ले लिया तो बाद में परेशान हो गए। अब कुछ भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमने ब्रेजा ली क्या, हमने गलत फैसला ले लिया। कुछ लोग कह रहे थे यार मैं तो बड़ा अपसेट हूँ, 3XO ले लेता मैं। देखो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, 3XO डेफिनेटली एक अच्छी कार है, ब्रेजा भी एक अच्छी कार है, पर अब 3XO नहीं आ गई तो वो अच्छी हो गई। पर यार आज अगर आप इस बात से दुखी हो, कल को एक और कार आ जाएगी। मान लो आपने इस बार 3XO ले ली, एक साल बाद आप किसी और चीज में कोई और इम्प्रूवमेंट हो गए तो आप दुखी होते रहोगे। अब कल को टाटा पंच के अंदर 1.2 लीटर का नेक्सॉन वाला इंजन लगा के देने लग गए तो आप ये सोचोगे कि यार ये तो 7.5 का बेस मॉडल हो गया पंच का, इसमें पावर उतनी आ गई, मैंने तो गलत ले ली थी 3XO। दैट इज नॉट हाउ यू थिंक गाइज, ऐसा तो आप बहुत परेशानी रहोगे यार। ब्रेजा के अपने फायदे हैं, उसमें 1.5 लीटर का NA इंजन मिलता है, नेचुरल एस्पिरेटेड जिसे बोलते हैं। वो कार टर्बो लैग नहीं लाती, उसकी लाइफ ज्यादा होती है, हायर RPM से बढ़िया चलती है। कुछ उसमें माइनर इश्यूज जरूर आते हैं जैसे कि छठा गियर की दिक्कत है, स्टेयरिंग हल्का सा उसका लगता है और स्मूथ हो सकता था। रही बात देखो इंटीरियर की कि भाई चमचम वाले इंटीरियर उसमें नहीं है, 6 एयरबैग नहीं है, ये दो चीज जरूर ऐसी है जो मैं चाहूंगा मारुति जल्द से जल्द ठीक कर ले, वरना भाई ग्राहक तुम्हें ठीक कर देंगे, समझ रहे हो। अगर तुमने दो चीज ठीक नहीं करी मारुति, इंटीरियर और एयरबैग्स, तो ग्राहक तुम्हें ठीक कर देगा, लेना ही बंद कर देगा। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो भाई अब आपके लिए कौन सी कार है, आप नेक्सॉन लो, आप 3XO लो, आप ब्रेजा लो, फ्रॉन्क्स लो, वेन्यू लो, सोनेट लो। देखो एक तो मेरे चैनल पे इन सारी कार्स के कंपैरिजंस के वीडियो आपको मिल जाएंगे, पहली चीज आप उनको देखना, जो भी आपके डाउट्स आएंगे उनको कमेंट करना। दूसरी चीज, ब्रेजा का एक बिल्कुल अलग रोल है इन सारी कार्स के अंदर, क्योंकि हाईएस्ट रीसेल वैल्यू ब्रेजा की है। अगर आप थोड़े मुंशी माइंडेड हो, मुंशी माइंडेड होता बंदा जो चाहता है कि देखो कार एक ऐसा एसेट है जो हमेशा डेप्रिशिएट ही होता है, वो कहीं बढ़ता तो है नहीं, डाउन ही होगा। आपने कार खरीदी आज, दो दिन बाद उस कार का रेट 1.5 लाख रुपए गिर जाएगा। आपने आज 3XO ली, आपने सोचा भाई मैं कल इस बेस मॉडल को बेच दूं, मुझे नहीं पसंद आया, तो आपके 8.5 लाख सीधे सीधे 7 लाख हो गए। आप कल जाके शोरूम में भी वापस दोगे, वो तो लेंगे ही नहीं, पर जो भी लेगा वो आपको पूरे पैसे नहीं दे देगा 7.5 लाख। तो इस तरीके से जो सोचता है कि मेरे मैक्सिमम पैसे वापस आ जाए, तो उसके लिए ब्रेजा है। जिसको लॉन्ग रन के लिए इंजन चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए, ज्यादा भगानी नहीं है, उड़ानी नहीं है, क्योंकि 100-110 पे चलाना जाता है, तो इस वाले स्कैम में मत फंसना कि इंजन कितना पावरफुल है। कितना पावरफुल लोगे आप, हाईवे पे सरकार ने लिमिट बांधी 100-110 पे चलाना जाता है, मैं कहां भगाऊं इस गाड़ी को। ये सारी बातें मुझको पता थी, तो मैंने तो भाई उस हिसाब से फैसला लिया कि मुझे क्या कार लेनी है। आप भी ये बातें सोच समझ कर लो कि आपके लिए क्या मैटर करता है। अगर आपके लिए लेगरूम ज्यादा मैटर करता है कि आपको कम पैसों में क्रेटा और विटारा जैसा अंदर से स्पेस चाहिए, तो 3XO ले लो भाई, उसके अंदर 2600 mm का स्पेस है। फिर वहाँ थोड़ा सा बूट में दिक्कत आएगी, वो आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना। इंजन पर आपको टर्बो मिल रहा है, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन 3 सिलेंडर वाला है, पर वो वाला टाटा वाला इंजन नहीं है, उसको उससे मत कंपेयर करना, काफ़ी अच्छा इंजन है महिंद्रा का फॉर श्योर। पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि टर्बो GDI इंजन अलग आता है इनका, TGDI, और एक TCM PFI वाला इंजन जो है वो अलग है, ठीक है। मैं महिंद्रा 3XO की बात कर रहा हूँ, बेस मॉडल में अलग इंजन लगा हुआ है और इसका TGDI वाला एक अलग इंजन है, तो जब टेस्ट ड्राइव लोगे तो शायद वो TGDI वाली करवा देंगे आपको, तो ये मत समझना कि आपके बेस मॉडल में वही इंजन आ रहा है, इस चीज पर जरूर ध्यान देना दोस्तों। वेन्यू सोनेट किसको लेनी है, देखो वेन्यू और सोनेट ना 1.2 लीटर में भी अवेलेबल है, तो जिनको लुक्स ज्यादा अलग चाहिए, क्योंकि इन दोनों कार्स की काफी अलग लुक हो जाती है। 3XO की मैं लुक में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को बुरी लगती है, ये सब्जेक्टिव है, किसी को बहुत अच्छी लगी, किसी को एवरेज लगी, किसी को बेकार लगी। तो यहाँ पर अगर मैं सोनेट वेन्यू की बात करूँ तो उनकी लुक काफी अच्छी लगती है अंदर बाहर से, तो 1.2 लोगे आसपास पॉइंट ए पॉइंट बी में चलाना है तो वेन्यू सोनेट ले सकते हो, 6 एयरबैग मिलते हैं। सोनेट की सबसे लोएस्ट बिल्ड क्वालिटी है पूरे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, मैं आपको एडवांस में बता दूं, टेस्ट नहीं हुआ है, पर क्योंकि मैं शोरूम्स जाता रहता हूं, मैं चेक करता रहता हूं कारों को, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, बिल्ड जो वीक है वो सोनेट की है थोड़ी सी, बाकी उसके बाद आपको ऑलमोस्ट सारी कार्स के सेम मिलेंगी। वेन्यू की भी ऑस्ट्रेलियन एनकैप से 4 स्टार है, ब्रेजा 4 स्टार है, 3XO को 5 मिल जाएगा, नेक्सॉन अभी 5 लाई है रिसेंटली, और जो बच गया तो कोई कमेंट करके बता देना।
अगर मैं माइलेज प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो ब्रेजा में आपको काफी अच्छी माइलेज मिल जाएगी, सोनेट 1.2 में भी माइलेज ठीक मिल जाएगी, वेन्यू 1.2 में ठीक माइलेज मिल जाएगी। पर अगर आप इनके टर्बो में जाओगे तो टर्बो में देखो सब में टर्बो में ऑलमोस्ट सेम ही माइलेज आती है, इक्का दुक्का फर्क रहता है कि 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो गए। आप चाहे 3XO का टर्बो लो, नेक्सॉन का टर्बो लो, सोनेट वेन्यू का टर्बो लो, टर्बो में ऐसा ही होता है। इवन फ्रॉन्क्स का टर्बो भी लोगे वो भी थोड़ा सा आपको ऐसी माइलेज देगा। आप जो सोचोगे भाई 1.2 वाली जो फ्रॉन्क्स में माइलेज आती है वही उसके टर्बो में भी आती होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। और मैं तो भाई कभी किसी को रेकमेंड करता ही नहीं कि आप फ्रॉन्क्स का टर्बो लो, अंटिल नल्ले सामने बिल्कुल सीरियस मन बना लिया कि फ्रॉन्क्स ही लेनी है तो भाई ले लो एक बार को। पर मेरे को समझदारी, क्योंकि देखो फ्रॉन्क्स का साइज है छोटा, फ्रॉन्क्स की लेंथ और डायमेंशन वगैरह भी कम है, तो आप भाई 12-11 लाख रुपए लगाकर फ्रॉन्क्स क्या लेनी यार। फिर थोड़ी सी बड़ी, या चाहे नेक्सॉन ले लो, चाहे ब्रेजा ले लो, चाहे 3XO ले लो, पर मुझे फ्रॉन्क्स नहीं सही लगती भाई कि उस पर इतना पैसा लगाया जाए। जनरली बताऊँ हैचबैक टाइप कार लेकर आओ 12 लाख रुपए की, सो मुझे थोड़ा वो किडिश लगता है। सो इस तरीके की बातें हम करते रहेंगे आने वाले दिनों में। चैनल को भैया प्लीज सब्सक्राइब कर जाना भाई, थोड़ी सी तुम्हारे में इंसानियत हो प्लीज मेरे दोस्त मेरे भाई, सब्सक्राइब कर जाना वरना तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा कल ही के कल। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन हो कमेंट करके बता देना। बाय बाय, टेक केयर।